नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल हमारा बिहार में। आज 9 जून 2019 है और 9 जून 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे वीडियो का लिंक भी एक साथ मिल जाएगा और सारे वीडियो का पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स जो बिहार से जुड़े हुए हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को स्टार ऑफ इटली सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के डॉक्टर प्रतिष्ठा सिंह को, ठीक है, डॉक्टर प्रतिष्ठा सिंह को स्टार ऑफ इटली सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रतिष्ठा सिंह जो है बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव की रहने वाली है और ये एक लेखिका है तथा वर्तमान में ये दिल्ली विश्वविद्यालय में इटालियन पढ़ा। इन्होंने बिहार पे एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है वोटर माता की जय, ठीक है, और ये भोजपुर जिले की रहने वाली है। तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं भोजपुर कहाँ पर है। ये रहा बिहार का मैप और ये रहा आपका भोजपुर जिला। भोजपुर जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है? देखिए, बक्सर है, रोहतास है, अरवल है, पटना है, ऊपर से ये सारण है। और भोजपुर जिला जो है वो 2 नदी से घिरा हुआ है। ऊपर जो देख रहे हैं सारण और भोजपुर, तो इस दोनों के बीच में गंगा नदी बहती है जो कि बक्सर जिला से प्रवेश करती है बिहार में, और ये भोजपुर और पटना के बीच में सोन नदी बहती है, ठीक है, जो कि रोहतास के पास से बिहार में प्रवेश करती है। चलिए इसको देखते हैं बिहार के ज्योग्राफिकल मैप में। ये रहा बिहार का ज्योग्राफिकल मैप। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका भोजपुर, भोजपुर के ऊपर में ये रहा गंगा नदी और इस साइड से सोन नदी है। गंगा नदी देखिए बिहार में बक्सर के पास से प्रवेश कर रही है और सोन नदी बिहार में रोहतास और औरंगाबाद के बीच में यानी यहाँ से प्रवेश कर रही है, ठीक है। अब नाम आया है भोजपुर जिला का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। भोजपुर जिला का जो क्षेत्रफल है 2395 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना इसका हो गया 1992 में। जनसंख्या इसका हो गया 27,28,407 व्यक्ति और जनसंख्या घनत्व है भोजपुर जिला का 1,139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भोजपुर जिला का साक्षरता दर हो गया 70.74% और यहाँ का लिंगानुपात है 907 महिला प्रति 1,000 पुरुष, ठीक है। और यहाँ का जो प्रमुख नदी है गंगा और सोन बता ही दिए हम। भोजपुर जिला में ही जगदीशपुर नामक जगह है जहाँ पे के वीर कुंवर सिंह जी थे जिन्होंने 1857 के क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो भोजपुर जिला से इतना याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में जन्मी अमेरिका के प्रसिद्ध कलाकार को 2020 में होने वाले बोधगया बिनाले के तृतीय संस्करण की क्यूरेटर नामित किया गया है, ठीक है। तो वो कौन सा व्यक्ति है? तो उनका नाम है आनंदिता दास। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब नाम आया बोधगया का, तो चलिए बोधगया के बारे में भी कुछ जानते हैं। बोधगया जो है ये फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, जो फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। बोधगया को उरुवेला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 500 ईसा पूर्व में बोधगया में वट वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था और बोधगया के महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। बोधगया के महान महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्तकाल में हुआ था और बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था। तो बोधगया से इतना याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पर राज्य ज्ञान प्रबंधन की स्थापना की गई है? तो बिहार में दोस्तों पटना में किया गया है राज्य ज्ञान प्रबंधन का स्थापना, ठीक है। और क्यों किया गया है? तो राज्य ज्ञान प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन पर शोध किया जाएगा यानी रिसर्च किया जाएगा, ठीक है। और पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में इसका मुख्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CGM किसे नियुक्त किया गया है? तो पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CGM नियुक्त किया गया है सुधीर साहू को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पर कचरे से जैविक खाद बनाने को मंजूरी मिली है? तो बिहार में के पटना में एक मनेर गांव है, ठीक है, और यहीं पे जैविक खाद कचरे से जैविक खाद बनाने को ये जमीन आवंटन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
पर्यावरण के संरक्षण के लिए किसानों को हैप्पी सीडर पर कितने प्रतिशत का अनुदान सरकार देगी? तो हैप्पी सीडर एक मशीनरी होता है, ठीक है, और इस पे सरकार 80% का अनुदान दे रही है किसानों को। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। तो इस मशीन का क्या लाभ है? तो फसल अवशेष को जलाने से रोकने और पर्यावरण संरक्षण के मकसद से ये लाभदायक है, ठीक है, और इसी के कारण राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। और वर्तमान कृषि मंत्री है बिहार के, कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार कैडर के किस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार कैडर के साकेत कुमार को, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पर 7 करोड़ की लागत से मेगा स्क्रीन का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार में पटना के गांधी मैदान में, ठीक है, 7 करोड़ की लागत से मेगा स्क्रीन का निर्माण किया जा रहा है और इसका लंबाई 32 फीट तथा चौड़ाई 66 फीट होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उन्नयन बांका के तर्ज पर राज्य भर में कितने माध्यमिक हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास जुलाई से शुरू किया जाएगा? तो राज्य में 3106 स्कूलों में, ठीक है, स्मार्ट क्लास शुरू किया जा रहा है जुलाई से। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के परीक्षा व्यवस्था में आधुनिक बदलाव को देखकर कौन सा राज्य बिहार के तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था लागू करेगा? तो ये उत्तराखंड है, ठीक है। ये बिहार का जो परीक्षा व्यवस्था में जो आधुनिकीकरण लाया गया है इसको देखकर इसी के तर्ज पे उत्तराखंड राज्य भी वहाँ का शिक्षा व्यवस्था पे ये लागू करेगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति स्तूप का 2019 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो विश्व शांति स्तूप का 2019 में 50वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर सी हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का बिहार से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के क्विज के क्वेश्चन के तरफ। तो कल के क्विज का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में बियॉन्ड मधुबनी पत्रिका का लोकार्पण किस बैंक द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन था, बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम पंडित राजकुमार शुक्ल के नाम पर रखा जाएगा? तो उस स्टेशन का नाम है चनपटिया स्टेशन। तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्विज में आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस शहर को हेरिटेज सिटी बनाने को मंजूरी मिली है? और आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।